हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिकल डिवीजन पार्ट थ्री। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन पार्ट थ्री में हम देखेंगे महानदी बेसिन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ईस्टर्न बघेलखंड के बारे में, तो उसमें हमने देखा था ईस्टर्न बघेलखंड आपका 16.16% एरिया में एक्सपैंडेड है, जिसमें हम लोगों ने देखा था चांग बकार देवगढ़ हिल्स, कैमूर रेंज, कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन एंड सरगुजा बेसिन के बारे में देखा था हमने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपका महानदी बेसिन के बारे में। तो महानदी बेसिन जो है वो सबसे लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन है सबसे पहले तो। अब इसके और क्या क्या नाम है, इसी को छत्तीसगढ़ प्लेन्स भी कहा जाता है और महानदी प्लेन्स भी कहा जाता है, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं हम पैडी का, बल्कि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी ज्योग्राफी जो है वो बीच में है, हम चारों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए हैं और बीच में प्लेन्स होने की वजह से ये जो लैंड है सेंट्रल पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का, ये काफ़ी फर्टाइल है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैडी या फिर धान। ठीक है, तो इस वजह से इसको धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट कर देखते हैं इसका एरिया कितना है। अप्रोक्सीमेटली ये 68064 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का 50.34% एरिया है। इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर डिवीजन में। डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, डिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों डिविजन्स के डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ मिलेगा आपको। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका मिलके बना है आपका कड़प्पा रॉक से। इसका जो शेप है वो आपका फैन के जैसा है, फैन शेप्ड है, ये पंखे की जैसी आकृति बनती है इसकी। मिनरल यहाँ पर मिलता है आपको लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, और सॉइल आपकी मिलती है यहाँ पर रेड येल्लो एंड ब्लैक सॉइल, रेड येल्लो एंड इन सम पार्ट्स ऑफकोर्स ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे मेन यहाँ की रिवर क्या है, सबसे मेन महानदी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे एक्सपैंडेड है। महानदी ड्रेनेज सिस्टम की इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है, महानदी, शिवनाथ, पैरी, हसदेव। तो महानदी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये पूरा फैला हुआ है, इसकी लोकेशन है आपकी सेंट्रल छत्तीसगढ़, पूरा ये छत्तीसगढ़ के मिड में है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है आपकी पैडी। अब इसके सब डिविजन्स या फिर इसके लैंड फॉर्म्स के बारे में हम देखते हैं, एक रफली आइडिया ले लेते हैं हम थ्रू मैप्स। ये छत्तीसगढ़ का सेंट्रल पोर्शन आपका कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न एरिया है, जो वेस्टर्न पार्ट है, ये आपका मिलेगा आपको यहाँ पर मैकल हिल्स। ठीक है, इससे इधर जाएंगे आप थोड़ा तो आपको मिल जाएगा पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, इधर आएंगे तो हसदेव रामपुर, हसदेव रामपुर एरिया, इधर कोरबा प्लेन्स, यहाँ आपको मिलेगा छुरी उदयपुर हिल्स, इसके नीचे आपको मिलेगा बिलासपुर रायगढ़ प्लेन्स, इस एरिया को बोलते हैं हम शिवनाथ प्लेन्स, ये बीच में आ जाएगा आपका शिवनाथ महानदी दोआब। ठीक है, ये आपका महानदी प्लेन्स, यही आपको मिलेगा दुर्ग धमतरी महासमुंद हाईलैंड देखने को, और यहाँ नीचे आपको दुर्ग हाईलैंड्स देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक रफली आइडिया ले लिया हम लोगों ने। अब इससे रिलेटेड जो लैंड फॉर्म्स हैं हम उनको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैकल रेंजेस, मैकल रेंज आपका किस पोर्शन में है, सबसे पहले तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और ये किसका पार्ट है, आपका सतपुरा माउंटेन का पार्ट है। इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा कवर्धा, राजनांदगांव एंड लोरमी तहसील्स में आपको इसका एक्सपेंशन देखने मिलेगा, लोरमी एंड पेंड्रा तहसील्स में आपको एक्सपेंशन देखने मिलेगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है बदरगढ़। बदरगढ़ आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कबीरधाम में आता है। ठीक है, कबीरधाम या फिर कवर्धा, इसकी हाइट है 1176 मीटर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट आपको रेंजेस पूछ सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से रेंजेस मिलते हैं,
देखने के लिए पहाड़ियां पूछ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पैटर्न देखा जाए तो वो कभी भी उठा के पूछ लेता है कि ये पहाड़ी आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है या फिर किस माउंटेन का पार्ट है। तो ये झाला माउंटेन, देवसैनी माउंटेन, बामनगढ़ माउंटेन, अमरकंटक, सोनभद्रा एट्सेट्रा, ठीक है, ये सभी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इसके पार्ट हैं। उसके अलावा कुछ सीरीज हैं आपकी माउंटेन सीरीज, तो एक है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कांदावनी हिल्स, ये कहाँ है आपकी कवर्धा में है। द नेक्स्ट वन इज कुल्हारी, कुल्हारी या फिर इसको कुलझारी हिल्स भी कहा जाता है, ये है आपकी राजनांदगांव में, और एक है आपकी प्रज्ञागिरी, तो ये भी आपकी कहाँ है राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब कवर्धा मैटर सीरीज जो है ये आपका कवर्धा डिस्ट्रिक्ट को, इसकी वजह से कवर्धा डिस्ट्रिक्ट किस एरिया में आता है, रेन शेडो एरिया में आता है, रेन शेडो एरिया में। रेन शेडो एरिया मतलब यहाँ पर कैसा एरिया बनता है, लो रेनफॉल, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। ये एक वाटर डिवाइड के जैसे एक्ट करता है, वाटर डिवाइड के जैसे एक्ट करता है बिटवीन शिवनाथ एंड वेनगंगा रिवर, शिवनाथ एंड वेनगंगा रिवर। ये बॉर्डर फॉर्म करता है किसके किसके बीच में बॉर्डर बनाता है, छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में, बॉर्डर बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड एमपी। एमपी का कौन सा एरिया, मंडला एरिया, और छत्तीसगढ़ का आपका बिलासपुर पहले आता था, अभी गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, ये हो गया मैकल सीरीज। नेक्स्ट देखते हैं पेंड्रालोरमी, तो पेंड्रालोरमी जो है वो बेसिकली आपका मैकल सीरीज का ही पार्ट है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और कोरबा में, तो कोरबा का कटघोरा तहसील, मुंगेली का पंडरिया और गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का पेंड्रा और लोरमी। यहाँ की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं आपकी कुछ पलमा, लाफागढ़ एंड चंदेली। तो जो पलमा हिल्स है इसकी हाइट आप ध्यान रखिएगा 1080 मीटर है, जो कि आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट में आता है। लाफागढ़ को ही हम छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहते हैं, जिसकी हाइट है 1048 मीटर, और ये आपका कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक है आपका चंदेली हिल्स जिसकी हाइट है 821 मीटर, और ये आपका लोरमी तहसील के अंदर आता है, ठीक है। ये भी आपका एक लो रेनफॉल एरिया है, यहाँ भी बारिश कम होती है, और हाफ रिवर जो है वो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री क्रिएट करती है। कौन सी रिवर, हाफ रिवर। हाफ रिवर कहाँ से निकलती है, कांदावनी हिल से निकलती है, ठीक है, इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। अमरकंटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो इसी रेंज के अंदर आती है, इसी प्लेटियो के एरिया में आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हसदेव रामपुर, तो हसदेव रामपुर बेसिन के ईस्ट में आपको देखने मिलेगी छुरी मतरिंगा पहाड़ी, और वेस्ट में आपको देखने मिलेगा पेंड्रालोरमी, ठीक है। ये आपका कहां से कहां तक फैला हुआ है, सरगुजा से लेके कोरबा तक इसका एक्सपेंशन देखने मिलेगा आपको। इसकी मेन हाइट है, एवरेज हाइट है 450 मीटर, और इसकी स्लोप है आपकी साउथ की तरफ, यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो साउथ की तरफ फ्लो करती हैं, तो इसकी जो स्लोप है वो साउथ की तरफ है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ है हसदेव और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलके। हसदेव रामपुर बेसिन आपका कोल रिजर्व्स के लिए फेमस है, यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, कोयले की रिजर्व्स के लिए, उसके भंडारण के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका है हसदेव मांड बेसिन, तो ये आपका इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा, जो एरिया है आपका हसदेव और मांड रिवर के बीच का, उस एरिया में आपको इसका एक्सपेंशन देखने मिलेगा, जैसे कि कोरबा, रायगढ़, शक्ति, ठीक है, एंड जांजगीर चांपा, सम पार्ट्स,
यहाँ आपको इसका एक्सपेंशन देखने मिलेगा। इसी के और अदर फर्दर एक्सपेंशन को हम चंवर ढाल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? चंवर ढाल के नाम से जानते हैं। सिंघनपुर केव, जो कि आपके एंशंट रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, वो केव आपका इसी रीजन में पड़ता है, इसी रीजन के अंदर आता है सिंघनपुर केव। एंशंट आप लोगों ने स्टोन एज में पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ से हमको एविडेंसेस मिले हैं स्टोन एज के, तो वो आपका हस्दोमांड बेसिन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे छुरी उदयपुर हिल्स। तो छुरी उदयपुर हिल्स जो है वो आप उसकी लोकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में। इसका सबसे ज्यादा एक्सटेंशन आपको मिलेगा कोरबा में देखने, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन कोरबा में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं आपके पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा, बिजौरा, ये सभी माउंटेन्स रेंजेस हैं। अब पुटका पहाड़ किस चीज़ के लिए फेमस था, अगर आपको याद होगा तो बॉक्साइट के लिए फेमस था। तो ये किसके लिए फेमस हुआ है, यहाँ पर कौन से मिनरल मिलेंगे आपको? बॉक्साइट मिलेगा। अब छुरी हिल्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। छुरी हिल्स जो है इस तरीके से देखते हैं, ये है मान लेते हैं छुरी हिल्स। तो छुरी हिल्स के आपके वेस्टर्न पार्ट से मिलेगा आपको हसदेव रिवर बहती है, और इसके ईस्टर्न पार्ट से बहती है आपकी मांड रिवर। यहाँ आपको देखने मिलेगी हसदेव रामपुर बेसिन इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, और नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर मिलेगा पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू। यही साउथ साइड पर, साउथ वेस्ट साइड पर इसके कोरबा बेसिन आपको पड़ता है। तो ये लोकेशन से एक बार ध्यान रखिएगा, मैच द कॉलम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेन्स ऑफ बिलासपुर। तो प्लेन्स ऑफ बिलासपुर का एक्सपेंशन आपको मिलेगा नॉर्दर्न पार्ट में, छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट में, बिलासपुर रीजन में, ठीक है। ये किससे मिलके बना हुआ है? अरपा, लीलागर, मनियारी, आगर, ये सभी रिवर्स से मिलके बना हुआ है इसका प्लेन, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट आपको देखने मिलेगी 200 से 300 मीटर। नेक्स्ट बिलासपुर रायगढ़ प्लेन। तो बिलासपुर रायगढ़ प्लेन आपका बिलासपुर से रायगढ़, मतलब बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक है दलहा माउंटेन। दलहा माउंटेन किस जिले में है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये है आपका अकलतरा में। अकलतरा एक टाउन है जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में, और दलहा माउंटेन फेमस है आपका नाग पंचमी के दिन यहाँ पर मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस वजह से ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिहावा माउंटेन। सिहावा माउंटेन किस चीज़ के लिए फेमस है? बहुत इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, महानदी रिवर, जिसे हम छत्तीसगढ़ की गंगा या फिर लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। ये आपका है कहाँ? धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी हाइट है 586 मीटर। इसको पुराने ज़माने में, एंशियंट में इसको शक्तिमती के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर एक टेम्पल है बहुत ही फेमस, इसको कहा जाता है कर्णेश्वर महादेव टेम्पल, और यहाँ पर हर साल मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है कर्णेश्वर महादेव टेम्पल के पास, ठीक है। यहाँ पर एक आश्रम है श्रृंगी ऋषि का आश्रम, ठीक है। ये हो गया आपका सिहावा माउंटेन। नेक्स्ट हम देखेंगे छाता पहाड़। तो छाता पहाड़ आपका एक माउंटेन है सिंपल सा, जो कि बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका सतनाम पंथ से रिलेटेड है। सतनाम पंथ जो कि, जिसके फाउंडर कौन थे? गुरु घासीदास। बस इतना ही याद रखना है आपको इसमें। सोनबेरा प्लेट्यू का मेनली जो एक्सपेंशन है वो आपको ओडिशा में देखने मिलेगा, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में गरियाबंद और महासमुंद में भी आपको इसका एक्सपेंशन देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपका दुर्ग मार्जिनल हाईलैंड्स। तो
और मार्जिनल हाइलैंड्स आपको डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा कहाँ है आपका, बालोद में है, और अम्बागढ़ चौकी यहाँ इसका एक्सपेंशन देखने मिलेगा। नेक्स्ट है आपका शिवनाथ महानदी दोआब। तो शिवनाथ महानदी दोआब मतलब शिवनाथ और महानदी के बीच का जो एरिया होता है, मतलब दुर्ग से लेके रायपुर के बीच का जो एरिया है वो, उस एरिया को हम शिवनाथ महानदी दोआब कहते हैं। शिवनाथ प्लेन्स मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ शिवनाथ, शिवनाथ के जो शिवनाथ नदी के बाद का जो है मतलब, तो कौन सा एरिया हो जाएगा ये आपका, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एंड बेमेतरा, इस एरिया में एक्सपेंडेड है। फिर वैसे ही महानदी प्लेन्स का देखेंगे तो ये आपका मेनली कहाँ मिलेगा आपको, धमतरी और महासमुंद में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्दर्न हाइलैंड्स। तो नॉर्दर्न हाइलैंड्स का क्या मतलब होता है, जो उच्च भूमि होती है, जो उठा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम हाइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न हाइलैंड्स आपको मिलेगा बिलासपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ का जो की जो उच्च भूमि है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हाइलैंड्स, ठीक है। इसके ईस्ट साइड पे आपको मिलेगा रायगढ़ प्लेन्स और वेस्ट साइड पे मिलेगा आपको हसदेव रामपुर, ठीक है। सदर्न हाइलैंड्स में सिमिलरली जो दुर्ग और मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के जो हाइलैंड्स हैं वो आपके कवर होते हैं सदर्न हाइलैंड्स में। सो दैट्स ऑल अबाउट महानदी बेसिन। नेक्स्ट हम देखेंगे दंडकारण्य के बारे में, ओके, विच इज द लास्ट फिजिकल डिविजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।